बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पहुंचे थे 15 एमसीक्यू हम कर चुके थे और 16 से हम उसको स्टार्ट करने लगे। सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रिसेंट बैंक। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑन मार्च 31। तो दरकार इंटरेस्ट आप पे करते हैं हर क्वार्टर के एंड पर, यानी इसका मतलब जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट आप पे करते हैं मार्च के एंड पर, यानी 3 महीने गुजरने के बाद तीसरे महीने के आखिर में या चौथे महीने के स्टार्ट में, बात एक ही है। फिर आप 30 जून को पे करते हैं अप्रैल में और जून तक का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आप 30 सितंबर को पे करते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर का इंटरेस्ट। फिर आप 31 दिसंबर को पे करते हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आमतौर पे ड्यू होने के बाद ही पे होता है। तो इंटरेस्ट की पे करने की जो अजम्पशन नॉर्मल है वो इन एरियर्स है। आमतौर पर इंटरेस्ट की एडवांस पे करने की प्रैक्टिस दिखाई नहीं देती। एग्जामिनर चाहे तो आ सकती, लेकिन प्रैक्टिकली इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने से है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपको पता हो। फेस अमाउंट ऑफ द लोन, फेस वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट, सारी बातें पता है आप लोगों को। कितना है? 5 लाख। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स 2 installments वर नॉट पेड ऑन 30 September एंड 31 December। What is the amount of interest liability to be shown in the statement of? इसमें हम जितने भी सवाल बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट बतौर एक्सपेंस शो कर रहा होगा, हाथ उठाइए। ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट बतौर एक्सपेंस शो कर रहा होगा, हाथ उठा लीजिए। हाथ उठाने का बोलता हूं तुम आदत से मजबूर हो जाते। ट्रायल बैलेंस कितना इंटरेस्ट बतौर एक्सपेंस शो कर रहा होगा, हाथ उठा लीजिए। ट्रायल बैलेंस जी बताइए, आप सबसे पहले बताइए। देखिए अब वो क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स निकला है ना, जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, वो अब उसके जवाब आप देख रहिएगा क्या मिलते हैं, बड़े कमाल कमाल जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। जी बेटा आप बताइए जरा, ट्रायल बैलेंस कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा। पीआरटी फॉर्मूला है, पीआरटी लगाना नहीं आता। प्रिंसिपल कितना? 5 लाख। रेट कितना? 10%। टाइम आप खुद चूज करेंगे, ये मैं बताऊंगा। स्टिल अब हालत देख लें कि आप कितना गौर से बात सुनते हैं। अभी भी आपने अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपने सुना नहीं मुझे। हाँ बेटा यूसुफ, जी मजहर, भाई हमारे भाई ने तो पहले 4,000 बोला, फिर उनको ख्याल आया 4,000 तो कभी बन नहीं रहा, फिर 50,000 बोल दिया। हाँ जी बताएं, ट्रायल बैलेंस कितना शुरू करें। ट्रायल बैलेंस उतना ही शो करेगा जितना पेड है। तो पेड है 2 क्वार्टर का, 2 क्वार्टर कितने होते हैं? 6 महीने। सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे आप, 5 लाख का सीधा निकालेंगे, 10% बनेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे,
वो बनेगा कितना 25,000। 25,000 पे हुआ, 25,000 रिकॉर्ड हुआ, ट्रायल बैलेंस ने शो किया। अब अगला सवाल, एसोसिएशन में कितना जाना चाहिए? 50,000, क्योंकि पूरे साल में इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ? 50,000। तो अब एडजस्टमेंट 50,000 से पास करें या मजीद 25,000 से? एंट्री बनाइए, इंटरेस्ट एक्स, भाई बोल देना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25,000 से, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 25,000 से। पहले वाले 25 में मजीद 25 क्या हो गया? ऐड हो गया, वो मिलकर एसोसिए में कितना हो गया? 50 हो गया, और 50 की लाइबिलिटी, 25 की लाइबिलिटी चली गई एसओ एफ पे। वही हमारा क्या है आंसर। Rent paid on 1st September 2017 for the year to 31st August 2018 was ₹15,000. आपने रेंट पे किया पीरियड के लिए जो शुरू हो रहा है 1st सितंबर 2017 से और खत्म होगा 31 अगर 2018 पर। क्या ये 12 महीने का वक्त है? कितने लोग यस बोल रहे हैं? ये यस कितना कंफ्यूजिंग था आपका। सेप्टेम्बर से एक दिन पीछे कौन सा दिन है? 31 अगस्त। तो अगर सेप्टेम्बर से कहानी 31 अगस्त में खत्म हो रही है तो मतलब 12 महीने। एंड रेंट पेड ऑन 1st सेप्टेम्बर 2018 फॉर द ईयर टू 31st अगस्त 2019 वाज, ठीक है भाई? यानी ये आपके, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह सॉल्व किया था। मैंने यहां लिखा था रेंट पीरियड या रेंट एग्रीमेंट पीरियड, अगर आपको याद हो। आपका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। रेंट पीरियड आपका एक है 1st सितंबर 2017 से 31 अगस्त 2018। इस पीरियड का आपने कितना रेंट पे किया? 15,000। और फिर 1st सितंबर 2018 से लेकर 31 अगस्त 2019 का आपने रेंट पे किया है 18,000। आवाज ही नहीं है बेटा। अब मसला यह है कि अगर यही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है जो 1st सितंबर से शुरू होता है, 31 अगस्त पे खत्म होता है, तो यही हमारा क्या है? एक्सपेंस है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। लेकिन अगर हमारा रेंट, हमारा अकाउंटिंग पीरियड इन दोनों रेंट पीरियड के दरमियान में कहीं फॉल करता है तो फिर हमें एक्सपेंस उसके हिसाब से लेना पड़ेगा ना। What figure for rent expense should be shown in the statement of for the year ended? अगर आपका year end 31 दिसंबर 2018 है, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, तो आपका accounting period शुरू कहां से हो रहा है? 1st जनवरी 2018 से। तो इस period में January 2018 से लेकर 31 अगस्त 2018 तक का जो रेंट है वो आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है, यस और नो? तो इसका कितने मंथ्स का रेंट? जनवरी टू अगस्त 8 महीने का रेंट फॉल करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसका मतलब अगर आप इंपैक्ट देना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको अपना अकाउंटिंग पीरियड कहां से शुरू करना चाहिए? 1st जनवरी से। अब आप सोचें 1st जनवरी के हिसाब से आपका पुराना एग्रीमेंट चल रहा है और वो एग्रीमेंट कहां तक एक्सपायर हो रहा है? 31st अगस्त, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले। तो इसका मतलब आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में अपना जो रेंट लेना है वो पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से कितने वक्त का लेना है? 8 महीने का। तो आपने लिखा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर बनेगा? 10,000। और फिर आपने 1st सितंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 पे रुक जाना है। आवाज नहीं है बेटा। और आपने नए एग्रीमेंट में से कितना एक्सपायर करवाना है? कितना बेटा? तो आपकी एसोसिएशन में इस साल कितना एक्सपेंस जाएगा? 16,000। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मौजूदा अकाउंटिंग पीरियड आपके दो रेंट एग्रीमेंट पीरियड में क्या करता है? फॉल करता है। जनवरी 2018 से लेकर 31 अगस्त 2018, इतना हिस्सा आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड का फॉल करता है पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का फॉल करता है नए एग्रीमेंट के हिसाब से।
सब चीजें बेटा आपको सिखाई गई हैं, अगर आप चाहें तो कोशिश करें तो आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंस कितना बना? 16,000। अब इसका चाहें तो टी अकाउंट भी बना सकते हैं वन अकाउंट अप्रोच से। बार बार बना रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, वरना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। देखते हैं कितने लोग बात पे कर पाते हैं। क्या हम यहाँ पे रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं या एरियर्स में? हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रीपेड कराएगा। इसका मतलब साल 2018 चल रहा है। रुपीज लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ भी 2018 लिख दिया मैंने। आप ये लिखा करें बेटा सब चीजें। यहाँ लिख रहा हूँ 1st जनवरी, 1st जनवरी पर यहाँ आएगा बैलेंस बीडी कितना है? वो जो अभी इस साल क्या हुआ, एक्सपायर हुआ है। मतलब सोचें आपने 1 सितंबर 2017 को आपने 15,000 रेंट पे कर दिया 12 महीने का, उसमें सितंबर एक्सपायर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक्सपायर, लेकिन जनवरी से लेकर अगस्त तक का फॉल करता है इस अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो लास्ट ईयर के एंड पर क्या था? प्रीपेड का बैलेंस सीडी था, वो इस साल प्रीपेड का बैलेंस बीडी है जो कि इस साल एक्सपायर हो जाएगा। कितना बेटा? 10,000, 8 महीने का बैलेंस। इस साल फिर आपने 1 सितंबर को मजीद पेमेंट की, कितना रेंट पे किया? 18,000। आने वाले 12 महीनों का कैश या बैंक क्रेडिट हुआ, रेंट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से बेटा? 18,000 से। अब हम जानते हैं इस 18,000 में से सितंबर एक्सपायर है, अक्टूबर एक्सपायर है, नवंबर एक्सपायर है, दिसंबर एक्सपायर है, तो 31 दिसंबर पर जो इसमें से बैलेंस बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए? 12,000, जो कि 8 महीने के बैलेंस के बराबर। तो अगर आप इस 18,000 में से अनएक्सपायर्ड पोर्शन निकाल लें तो बाकी आपको इस अकाउंट से टोटल अमाउंट मिल जाएगा जो आप रिलीज कर रहे हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? तो देख लें, सेम आंसर आपको अकाउंट से भी मिल गया। सही बीडी और सही सीडी निकालना आना चाहिए आपको। नहीं हो रहा सॉल्व बेटा आप लोगों से ये अकाउंट? ये आपको खुद करना चाहिए सब लोग, ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा। ये आपको खुद, अब जब आपने आंसर निकाल लिया, आंसर पे फोकस ना करें और सोचें इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या बनवाया जा सकता है। एक क्वेश्चन को एक आंसर तक महदूद ना रखें। इस एक क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है बीडी क्या है बताओ, बोलता है सीडी क्या है बताओ, कितना अमाउंट इस साल पे हुआ ये बताओ। ये तो आसान सवाल था, इससे मुश्किल सवाल आपने कर लिए। अगला सवाल, अ बिजनेस हैड डिपॉजिटेड 5 लाख रुपए इनटू एन एनुअल फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन May 1, 2018। एक बिजनेस ने 5 लाख रुपए जमा करवाए सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहें या सेविंग अकाउंट कहें, जो क्या देगा आपको? इंटरेस्ट देगा। तो आपका बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिहाज से इंटरेस्ट आपकी इनकम बननी है, एक्सपेंस बनना है, तो आपको उतना इंटरेस्ट इनकम मान लेना चाहिए जितना आपने अर्न कर लिया। यस और नो? इंटरेस्ट इज अक्रूड क्वार्टर ऑन, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी। क्वार्टरली इंटरेस्ट पे होता है, मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। मंथली इंटरेस्ट अमाउंट इज रुपीज। आप बताइए सबसे मेन चीज क्या, इंटरेस्ट ड्यू होना कब से शुरू हुआ? उस डेट से जिस डेट से आपने 5 लाख रुपए क्या किए? डिपॉजिट। मेरे आपसे एक तीर से बहुत सारी शिकार। अगर मंथली इंटरेस्ट 3,000 है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए आप कैसा अचानक से सरप्राइज। हाँ, कैलकुलेटर यूज करें, बिल्कुल मना नहीं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमारी QMT भी खुल खुल के हमारे सामने आई। अगर मंथली इंटरेस्ट 3,000 रुपए है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए हमारे दिमाग का कमाल देखे, हमारा दिमाग अभी बोल रहा है हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं।
इसलिए हमारा दिमाग इसको क्यूएमटी वाले मोड में लेकर ही नहीं जा रहा। हालांकि रेट निकालना बड़ा आसान है, अभी मैं आपके सामने करूंगा ना 10 साल, तो बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, ऐसे तो हमने सोचा नहीं था, ऐसा क्यों नहीं सोचा हमने, हमें तो आता था ये काम करना। हाँ जी, आई इज इक्वल टू वॉट इज आई 3,000 रुपए सर, वॉट इज पी सर 5,00,000 रुपए, वॉट इज रेट सर नहीं मालूम सर, सर वॉट इज टाइम सर 1 महीना आउट ऑफ 12, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम होता है, तो जाहिर सी बात है जो भी रेट होगा वो पहले मल्टीप्लाई 1/12 होगा। अब इसको ले जाके वहां मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या बन जाएगा 36,000 बन जाएगा। यानी अगर 1 महीने का इंटरेस्ट तो 12 महीने का इंटरेस्ट 36,000 रुपए, 5,00,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, यानी इसका मतलब अगर मैं 5,00,000 पर रेट लगाता, सिर्फ रेट लगाता, उसको टाइम अपोर्शन ना करता, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आता, तो 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाय प्रिंसिपल बिकम व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट किसके बराबर हुआ 36,000 डिवाइड बाय 5,00,000। आवाज ही नहीं है बेटा, आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं, क्या आंसर आया 0.072 और 7.2% पर एनम। आवाज नहीं आ रही बेटा। अब यार देखो बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो मैंने इजाफी काम कर दिया, रेट नहीं था इस बार तो अमाउंट था, क्या मसला है, हम हमारा राइट टू रिसीव उस दिन से एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ जिस दिन से हमने पैसे बैंक में पक्का कितने डिपॉजिट किए बेटा 5,00,000 पर 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बना 3,000 रुपए। बताइए अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो हम पर ओवरऑल अब तक राइट टू रिसीव हमारा कितने मंथ्स का एस्टेब्लिश हो चुका है, इनको बोलना, इनको ये भाई जो बैठे ना भाई सोचने में लग गए, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाई कब से इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो रहा है, पहली मई से, तो मई से दिसंबर कितना वक्त होता है भाई, यार जवाब नहीं दे रहा आप, 3,000 × 8 आवाज ही नहीं आ रही है, 24,000 इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, ये जाएगा आपकी SOCI में, यानी इतनी इनकम दिखनी चाहिए, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट ट्रायल बैलेंस कितनी शो कर रहा हो, ये अगर आपने कर दिया तो मान जाऊंगा मैं आपको। सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, ट्रायल बैलेंस कितना शो कर रहा होगा, मेरा सवाल ही आप अपनी अपनी मर्जी का जवाब दे रहे। मैंने पहला सवाल किया बताइए इनकम कितनी जानी चाहिए, आप सबने कहा 24,000, जवाब दुरुस्त हो गया, तो मैंने दिया था इससे दुरुस्त है।
अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका ट्रायल बैलेंस इस वक्त इनकम इंटरेस्ट इनकम कितनी शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस गलत जवाब, जीरो। आप अपने पहले जवाब से फिर गए बेटा, आपने आपका पहला सोच जो था वो दुरुस्त था, दूसरा सोच आपका गलत। एग्जाम में ये होता है सही ऑप्शन से मूव हो जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोबारा काबिले गौर देखिए, इसमें क्यूएमटी की नॉलेज भी बंदे को चाहिए। अब बिजनेस हैड डिपॉजिटेड 5 लाख रुपए इनटू एनुअल, बस ये मिस कर गए, उड़ गए यहां से, हम निकल गए, हम रुके नहीं यहां पर, हमने गौर फिक्र किया नहीं। एनुअल एक साल के लिए, यानी हमने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए एक साल के लिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, चुपचाप बोल गया क्वेश्चन, बताया नहीं आपको कब डिपॉजिट किया। तो ये अमाउंट मैच्योर कब होगा? 30 अप्रैल 2019 को। आवाज ही नहीं है बेटा। इंटरेस्ट इज अक्रूड क्वार्टरली ऑन मार्च 31, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। इस पे इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो क्वार्टरली हो रहा है। इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी कब है? साल के एंड पर। तो इंटरेस्ट कब पे होगा? साल के एंड पर। इंटरेस्ट ड्यू होता चला जा रहा है। अब एक रियल कॉन्सेप्ट तो कहता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगना चाहिए, लेकिन इग्नोर दिस फैक्ट फिल वक्त, वरना कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ आना चाहिए, लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो जब तक लिखा हुआ नहीं आ रहा तब तक हम इसको सिंपल इंटरेस्ट ही अस्यूम कर। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट का एक भी रुपया हमने रिसीव नहीं किया तो पूरा 8 महीने का इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल। और ट्रायल बैलेंस इस वक्त इनकम इंटरेस्ट इनकम कितनी शो कर रहा है? जीरो शो कर रहा है, अनर्न्ड है। तो इसका आंसर भी 24,000 रुपए, और ये 24,000 रुपए हमारी SOFP में एडजस्टमेंट बन के आएंगे। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन अगर मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लाऊं तो मसला बढ़ जाएगा। बस अ बिजनेस हैज पेड एनुअल सैलरी ऑफ ₹36,000 एडवांस टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऑन 31 अगस्त 2017। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर? तो भाई 31 अगस्त को अगर आपने एडवांस पे कर दिया तो 31 अगस्त तो मंथ एंड हो गया ना। सेप्टेम्बर एक्सपायर, अक्टूबर एक्सपायर, नवंबर एक्सपायर, दिसंबर एक्सपायर, तो 36 में से 4 महीने एक्सपायर, 8 महीने एक्सपायर होना, तो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है वही हमारा प्री पेड है। 36 × (÷ 12) क्या आंसर आएगा? 24,000। अ बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन January 1, 2008 इन अ बिल्डिंग विच इज ऑन 25-year lease। एक बिजनेस शुरू हुआ है बिल्डिंग में जो आपने 25 साल के लिए क्या लिए? लीज पे। द रेंट ऑफ बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस। पेमेंट्स ऑफ रेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। जनवरी को आपने रेंट पे कर दिया, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। 29 मार्च को आपने रेंट पे किया, अप्रैल में और जून का। 28 जून को पे कर दिया आपने, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। 30 सितंबर को आपने पे किया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। और क्या कहते हैं, 30 सितंबर को आपने पे किया आने वाले साल जनवरी। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर? 1, 2, 3, 4, ये क्या है आपके लिए? प्रीपेड। क्योंकि ये चारों एक्सपायर हो जाएंगे, ये एक्सपायर नहीं होंगे। यस और नो बोले? क्यों एक्सपायर नहीं हुआ भाई? जनवरी गुजर गया तो जनवरी का रेंट एक्सपायर हो गया, फरवरी एक्सपायर हो गया, मार्च, फिर ये था अप्रैल में और जून का, वो भी गुजर गया। ये था जुलाई अगस्त सितंबर का, वो भी गुजर गया। ये था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, वो भी गुजर गया। लेकिन ये था आने वाले जनवरी, फरवरी और
तो ये चारों का आप सम कर, 7500 मल्टीप्लाइड बाय 4 या वही 7500 प्लस 7500 प्लस 7500 प्लस 7500, चार बार 7500, इसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं मेरे ख्याल से, इसी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जल अब आई कैप के एग्जामिनेशन में हमारी तवक्को होगी कि हमें अच्छे खासे क्वेश्चन कैलकुलेशन के मिलेंगे, लेकिन सरप्राइज ये होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ये चीज ध्यान में रखिए, आपको अकाउंटिंग के पेपर में अच्छी खासी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स, अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, कैश बेस्ड अकाउंटिंग, इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह नहीं सुना, तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। एन अक्रूअल इज, हाउ टू डिफाइन अक्रूअल, अक्रूअल एक्सपेंस का भी हो सकता है, अक्रूअल इनकम, तो देख ले जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे। मैंने तो पढ़ाई नहीं। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर बट नॉट पेड इन द करंट ईयर, एक्सपेंस है फ्यूचर का, पे याद हो गया, तो ऐसी पेमेंट को हम अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं या प्री पेमेंट कहते हैं। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर एंड पेड विद इन द करंट ईयर, ना ये अक्रूवल है ना ये प्रीपेड है। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर बट नॉट पेड इन द करंट ईयर, एक एक्सपेंस ड्यू हो चुका है लेकिन करंट ईयर में पे नहीं हुआ। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर एंड ऑलरेडी पेड इन द करंट ईयर, दोबारा प्री पेमेंट आ गई, ऑप्शन earned but not yet receive income is treated as asset liability capital loss, B answer liability। आपको पैसे एडवांस में मिल गए हैं तो आपको पैसे एडवांस में मिल गए, नहीं मिले लाइबिलिटी नहीं आंसर। अर्न बट नॉट येट रिसीव, तो अपना रजिस्टर खोल के देखें, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, वो अक्रूड इनकम है और अक्रूड इनकम आपके लिए क्या होता है, एसेट। बच्चे खुद घूमे थे, मतलब पहले उन्होंने खुद लाइबिलिटी को आवाज लगा के चूज किया था। चले, अर्न इनकम इज क्लासिफाइड एज एसेट नहीं लायबिलिटी। चले सर, हमने हमने 23वां सवाल एडवांस में पढ़ लिया था। अ प्री पेमेंट कैन बी डिफाइन एज पेमेंट फॉर एक्सपेंस फॉर दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट, expense incurred but not yet paid and classified as current asset, payment for expense for that are not yet incurred and classified as current asset। पक्का सब C बोल रहे हैं, इसलिए सब C बोल रहे हैं। expenses relevant to the accounting period which remain unpaid by period end should be, वो expenses जो जिस accounting period से belong करते हैं और वो period के end पर क्या है, unpaid है, तो unpaid होने के बिना पर वो unrecorded है तो उनको ignore किया जाए, associate बनाते हुए ignore किया जाए, ये associate बनाते हुए expense debit करके उनकी liability credit की जाए। तो कहते हैं included within expenses paid and shows as an asset at the period। पहला जुमला ठीक है, अगला जुमला गलत है। यह है एग्जामिनर का फॉर्मूला, जाली नोट चलाने के लिए एक असली नोट भी लगाएगा। तो असली नोट यहां तक था, आगे जाली नोट था। अगर आपने बोला यहां तक पढ़ लिया, मेरा सांस फूल गया, हाँ यहां तो ठीक है, यूसुफ नहीं, अच्छा यूसुफ अपनी बातों में लगा हुआ है, मसरूफ है यूसुफ बहुत ज्यादा। Ignored until they are paid for the वो expenses जो due हो चुके हैं लेकिन pay नहीं हुए, उनको हम अगले period में record करेंगे, अपना expense मानेंगे। आप तो yes कह रहे,
डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ऑलरेडी पेड एज शोन एज लायबिलिटी इन द पीरियड एंड। ये लाइन जब होती जब एक एक्सपेंस पिछले साल अक्रूड हो चुका होता उसकी पेमेंट क्या होती इस साल होता, तो ये जो लाइन है ना ये करेक्ट है अक्रूड के बैलेंस बीडी के लिए। आवाज ही नहीं, फ्लाइट पकड़ ली भाई। इंक्लूड इन विद इन विद द एक्सपेंस एंड शोन एज अ लायबिलिटी फॉर द पीरियड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is which is not true is true for this answer? Not true is correct. True statement pick करेंगे आप, not correct हो जाएंगे आप। Not true statement क्या करें pick कर। Exam में भी गलत गलत काम करवाता आपसे। हाँ जी, और जो गलत है वो pick करो। An accrual is an amount owing at the end of a period. Yes. A prepayment is the amount paid in advance. True or not true? True. An accrual is a liability and prepayment is an asset. True. An accrual is a liability and prepayment is a non-current asset. True. जुमला पहला तो ठीक है, असली नोट के साथ जाली नोट लगाया हुआ है क्या उसने? लेकिन अभी इसको इसको आप फॉरन एक्सेप्ट मत कीजिए, एक ऑप्शन और, क्योंकि अगर प्री पेमेंट तीन चार साल की हो गई तो प्री पेमेंट नॉन करंट हो सकती है, आमतौर पे होती नहीं है। अच्छा जी, एन अक्रूवल इज अ करंट लायबिलिटी एंड प्री पेमेंट इज अ, बिल्कुल जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट तो है, लेकिन आमतौर पर प्री पेमेंट इज करंट एसेट ना के नॉन, तो लिहाजा सिर्फ इस नॉन करंट बोलने की बिना पर हम इसको रॉन्ग स्टेटमेंट मानते हैं। स्टाफ सैलरी रिमेनिंग अनपेड एज एट द ईयर एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर एज, वो स्टाफ सैलरी जो ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई उसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। चूज करें ऑप्शन। अच्छा चुप हो जाए जरा सब लोग, जिससे पूछू जी इंजमान। एक बंदा समझ गया उसकी बारी आने वाली जी। गुलाम हुसैन बट जब भी आपने आज मोबाइल फोन निकाल के एमसीक्यू पढ़ना चुप जी, ये एमसीक्यू पढ़ रहे हो ना, कुछ और तो नहीं कर रहे जी बेटा। इसका आंसर क्या है सही? स्टाफ सैलरी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, दो डेबिट हो गए और दो क्रेडिट कर दो। सेल्स क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सही है। ये किसी और एमसीक्यू का आंसर होगा। अब्दुल्ला ये आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं जी बेटा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल जिसको हम अक्रूड सैलरी भी कहते हैं, अक्रूड सैलरी इज इक्वल टू सैलरी पेएबल। A business has year end on 30 September and receives an invoice for rent rupees 6 lakh rupees for बस देखिएगा, अब examiner ने 12 महीने से rent period छोटा कर दिया, payment अब payment हुई है 12 महीने के लिए 6 महीने के लिए। अब देखना है वो पूरे 6 महीने अगर current accounting period में fall करते हैं तो पूरे expire हो चुके होंगे, लेकिन अगर अगर ये rent agreement शुरू हुआ है for example कहां से 1 अक्टूबर से फॉर एग्जाम्पल, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक्सपायर हुआ होगा, जनवरी फरवरी एक्सपायर होना, मार्च एक्सपायर होना बाकी होगा। अब जो भी आप उसको पढ़ के देखें, अब बिजनेस हैज ईयर एंड
लेकिन यहां पर कब बिजनेस का ईयर नहीं 30 सितंबर है, 31 दिसंबर नहीं है, पक्का। एंड रिसीव एन इनवॉइस ऑफ 600,000 फॉर द 6 months टू रेंट पीरियड के 6 महीने कहां खत्म हो रहे हैं, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड कहां हो रहा है, 30 सितंबर। तो अगर रेंट एग्रीमेंट 6 महीने का है और ये 6 महीने 31 दिसंबर में पूरे हो रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट शुरू कब से हुआ बेटा, 1st जुलाई। तो जुलाई फॉल करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड में, अगस्त फॉल करता है, सेप्टेम्बर फॉल करता है, क्योंकि सेप्टेम्बर पे आ गया हमारा ईयर है। तो बात वही है, 3 महीने फॉल करते हैं करंट अकाउंट पीरियड में, 3 महीने फॉल करते हैं, तो 6 लाख का आधा एक्सपायर और आधा प्रीपेड, कौन सा ऑप्शन होगा। वॉट अक्रूवल और प्रीपेमेंट, मतलब ईयर एंड पे आपके तो चूज भी करना है कि ईयर एंड पे जो रेंट होगा वो अक्रूड होगा या प्रीपेड होगा, प्रीपेड होगा ना या अक्रूड होगा, अक्रूड होगा। कैसे समझाइए, शरियार समझा रहे हैं, समझाएं कैसे। हमने अ बिजनेस हैज अ ईयर एंडेड 30 सितंबर एंड रिसीव एन इनवॉइस फॉर रेंट रुपीज 6 लाख रुपए फॉर द 6 months टू 31 दिसंबर। What accrual or prepayment is required for the invoice in the year-end accounts? पहला मेरा आपसे सवाल, पूरा क्वेश्चन कहीं देखे, अब आप मसला यही है ना कि जिस पैराए में आप चलते हैं तो हम उसी पैराए में सोच रहे हो, और मैं भी चाह रहा था कि आप उस पैराए में जाएं ताकि आप एग्जामिनेशन में ऐसे शॉक्स लगने से बच सके। जब भी लफ्ज इनवॉइस आएगी ना, तो इनवॉइस मिलने का मतलब ये होगा वो चीज अभी आपको इनवॉइस, जैसे अगर आपको सेल इनवॉइस परचेज इनवॉइस मिली है तो आपने गुड्स खरीदी है, पेमेंट नहीं की, आपको ईयर एंड पर जो 3 महीने गुजर चुके हैं उनकी इनवॉइस मिली है और आने वाले 3 महीनों की भी मिलाकर, तो आपने इनवॉइस मिली है, इनवॉइस आपने सेटल की, कोई पेमेंट की तस्करा है कि आपने इन 6 महीनों का रेंट एडवांस में पे कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इस क्वेश्चन। तो इनवॉइस मिलने का मतलब ये हुआ कि ये रेंट हम पर क्या हुआ, ड्यू। इसको दोबारा पढ़ के देखिए, अ बिजनेस हैज ईयर एंड, यहां तक समझ में आ गया कि ईयर एंड 30 सितंबर है एंड रिसीव्स फॉर रेंट, इनवॉइस मिली है, इनवॉइस मिलने का मतलब नहीं कि आपने उसको सेटल किया, बिल मिला है, बिल, बिल कब मिलता है, ड्यू होने के बाद, तो अक्रूड हुआ ना, और पैसे ना हो तो, पैसे ना हो तो फॉर द, अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जवाब दीजिए। ठीक है जी, फिर पढ़ ले, एंड रिसीव एन इनवॉइस फॉर रेंट रुपीज 6 लाख रुपए फॉर द 6 months टू 31 दिसंबर। व्हाट अक्रूवल और प्रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनवॉइस इन द ईयर एंड अकाउंट्स। तो अगर आपको 6 महीने का रेंट का बिल मिला है ईयर एंड पर, तो वो पीरियड 3 महीने गुजारने के बाद मिला है और 3 महीने गुजरना बाकी है, तो अगर आपने ईयर एंड तक उसका 1 रुपया भी पे नहीं किया तो 3 महीने का रेंट आप पर क्या हो चुका है, ड्यू। और टोटल 6 महीने का रेंट कितना बनता है, 1 मंथ का कितना बनेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका रेंट 3 महीने का रेंट जो है वो क्या, अक्रूड है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यूरिंग द ईयर, देखिए क्लियर बोल रहा है, अब बिजनेस पेड, ऊपर कहीं भी पेड बोला नहीं गया, इनवॉइस मिलने का तस्करा हो और इनवॉइस सेटल करने का तस्करा ना हो, तो इसका मतलब वो चीज आप पर क्या हुई है, ड्यू। During the year, a business paid electricity bill for rupees for the 3 months.
टू नवंबर, आवाज ही नहीं आ रही। यहां बिजनेस ने 9 लाख रुपए का बिल पे कर दिया, 9 लाख रुपए 3 महीने का बिल है जो खत्म हो रहे हैं नवंबर पर, तो शुरू कहां से हो रहे हैं? हाँ, दिसंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सही है। अब आपका ईयर एंड कितना है? तो अगर आपने 9 लाख रुपए 3 महीने का रेंट पे कर दिया है तो ये एडवांस में पे हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से सितंबर का बिल एक्सपायर हो चुका और अक्टूबर और नवंबर एक्सपायर होना बाकी है, तो 2 मंथ का बैलेंस क्या कहलाया? प्रीपेड कहलाया। कितने से? 6 लाख। कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा। पक्का? वैसे सही बताएं, आप में से कितने लोगों ने इनको अटेंड किया? या अब ये वो ही नहीं कर रहे जो FAR 1 इनको पढ़ना है मुस्तकबिल, आप चाहते हैं FAR 1 आप ठीक से पढ़ सके, आप कर लें इनको प्रैक्टिस। ICAP ने एग्जेम्प्ट किया, इसका मतलब ये नहीं, और स्कीम अभी वैसे अप्रूव नहीं। आजकल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल कर रही है कि हमें 4 सवाल के जवाब दिए थे, मैं सोच रहा हूँ एक रेफरेंस और रख दिया जाए कि क्या ICAP की स्कीम अप्रूव होने से पहले CAF के एग्जाम होने चाहिए, क्या मर्केंटाइल का सब्जेक्ट 200 में टूट सकता है? हालांकि स्कीम अप्रूव ना हो और ये एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाएं तो इन एग्जाम की क्या हैसियत हो? क्या इन एग्जाम्स को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करवाना चाहिए? क्या AFC की अटेम्प्ट बच्चों को ना देकर उनका नुकसान नहीं किया गया, मासूम मासूम बच्चों को? हाँ जी, मैंने पढ़ाया, मैं ही केस करूं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बेटा। हाँ जी, अ बिजनेस हैज बिगिनिंग यूटिलिटीज अक्रूवल ऑफ रुपीज 50,000 एंड एंडिंग अक्रूवल ऑफ रुपीज 60,000। क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताएं समझाएं यार। अब यहाँ समझ मेरी बंद होना शुरू हो गई लगता है। क्या बोल क्या रहा है? अच्छा, BDCD बता रहा है। दोबारा मैं पढ़ के देखता हूँ क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब बिजनेस हैज बिगिनिंग, बिजनेस शुरू, बिगिनिंग का मतलब बिजनेस शुरू हुआ ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ ना। अब बिजनेस हैज बिगिनिंग, बिगनिंग की मतलब बिगिनिंग मतलब शुरुआत को कहते हैं। अब जुमला कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, यहाँ फुल स्टॉप रुक नहीं सकते। अब बिजनेस हैज तो मतलब पोजेशन, तो अब बिजनेस हैज बिगनिंग या ओपनिंग यूटिलिटी अक्रूवल, एक बिजनेस के ऊपर ओपनिंग अक्रूवल इलेक्ट्रिसिटी का बिल बैलेंस कितने से ड्यू है? कितने से ड्यू है? और एंडिंग अक्रूवल कितना? एंड ड्यूरिंग द ईयर इट पेस यूटिलिटीज 4 रुपीज, और ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी पेमेंट की हुई? मैंने आपको बड़ा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला सिखाया था, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 80,000 में कितना बिल आपने पिछले साल का पे किया होगा? अगर आप मेरे इन जुमलों को सुनेंगे और जवाब देंगे तो आप इस अकाउंटिंग पीरियड, सुनिए अल्फाज, इन अल्फाजों का अगर आपने सही जवाब दिया तो आप एक एक बात और अकाउंटिंग पीरियड को समझ रहे हैं। इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना बिल पे किया? इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने पिछले साल का कितना बिल पे किया? इस अकाउंटिंग पीरियड में इस अकाउंटिंग पीरियड का कितना बिल पे किया? वो इस साल का क्या है? एक्सपेंस। फिर इस साल का और एक्सपेंस कितना है जो पे नहीं हुआ? तो फिर इस साल का टोटल एक्सपेंस कितना है? आप जबानी सॉल्व कर सकते? परेशान हो रहे हैं भाई, ठीक है जी। ऑन 31st October 2019 अ बिजनेस पेज एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस पेज, पेज पेड नहीं बोला, पेज बोला है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बोला है, वो ऐसा करता रहता है, उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए। अगर आज किया है तो पिछले साल भी किया होगा, आगे भी करेगा,
सर पिछले क्वेश्चन में तो हमें रेंट एग्रीमेंट बता के पिछला पीरियड बता दिया गया, जब हमने देखा था इंक्रीमेंट लगा है तो हमने अज्यूम किया था इंक्रीमेंट, जाहिर सी बात है पीछे कोई चीज होगी उसी पे लगा होगा ना। अब जरा ये खतरनाक जुमला है, अ बिजनेस पेज, तो इसमें अंडरस्टूड बात है पिछला साल भी है अगला साल भी है, पेड नहीं बोला, अंग्रेजी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप देख ले। और अब तो मेरे वैसे आप सबके पास जो है वो ये पीडीएफ है, वरना किताब होती तो हम अंडरलाइन करते हैं इसको लिखते हैं, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। पीडीएफ में कर सकते हैं अंडरलाइन, आप कर सकते हैं उसको मार्क कर सकते हैं। कितना इंश्योरेंस पे किया भाई, कब पे किया, कितने अरसे का, तो ये एक साल लागू कब से हुआ, फर्स्ट नवंबर से आवाज नहीं आ रही भाई, फर्स्ट नवंबर से लागू हुआ, ठीक है जी, 2018 से लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को उसने इंश्योरेंस पे किया, बिजनेस पेज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹6,00,000। व्हाट इज द प्री पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो नवंबर एक्सपायर, दिसंबर एक्सपायर, नवंबर एक्सपायर, दिसंबर एक्सपायर, तो 6,00,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 महीने एक्सपायर, 10 महीने एक्सपायर होना बाकी। लेकिन बेटा सुनो बात, अगर आप इस सवाल में मैं ये पूछूं ना आपसे, बताओ इस साल का एक्सपेंस कितना, नहीं 6,00,000। पेज लव्स का मतलब क्या है कि बिजनेस ऐसा करता हुआ आ रहा है, तो जिस तरह इस साल पे किया है तो जो पिछले साल 10 महीने का बैलेंस क्या होगा, प्रीपेड होगा, क्या वो इस साल एक्सपायर नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं सवाल इसमें ये पूछूं ना बताओ इस साल का एक्सपेंस कितना है, तो जवाब होगा इस साल का एक्सपेंस है 6,00,000। वरना एग्जामिनर को पेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेड इस्तेमाल करना चाहिए। पेज जो है वो रेगुलरिटी शो करता है, एक काम है हम में कंसिस्टेंसी, हाँ वो ब्रेक लेने की, नाश्ता करने। एक्स वाई जेड लिमिटेड रिसीव इंटरेस्ट ₹1,00,000 ऑन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2011 ऑन 3rd January 2011। दिसंबर का रेंट कब मिल रहा है, जनवरी में, जनवरी कब मिल रहा है, फरवरी में, फरवरी कब मिल रहा है, मार्च का कब मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना, ड्यू होने के बाद मिल रहा है ना। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अकाउंटिंग ईयर एंड 31st December, तो अगर ईयर एंड 31st December, तो दिसंबर का रेंट दिसंबर के एंड तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन अर्न हो चुका है, एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इंटरसीएबल को आप अक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर सच ट्रांजैक्शन, क्या बी, हाँ लेकिन बताने के बाद भी बाद बच्चे जो हैं वो ए बी तलाश में रखे। अगर आपने ये चूज किया ना, अगर आप में से कोई बंदा दिली दिल में बी और सी चूज कर रहा था, तो फिर बेटा आपने तबाह कर दिया सारी अब तक की पढ़ी हुई किसको, एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारी जो अप्रोच बनती बारी जो पे किया वो मसला यही है कि अगर ये रिसीव हो चुका हो तो रिकॉर्ड भी हो चुका हो। ये रिसीव कब होगा, जनवरी में, हम कहां पर हैं, 31st December, तो 31st December तक ये रिसीव नहीं हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। अब अगर इसको इनकम दिखाना है एसोसिएशन में तो कैसे दिखाना है, एडजस्टमेंट बनाकर, ये अप्रोच है, इस अप्रोच को ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्स वाई जेड लिमिटेड रिसीव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹1,00,000 ऑन बैंक डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2011 ऑन 3rd January 2011।
एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ 31 दिसंबर, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री व्हेन सब्सिक्वेंटली ऑन 3rd January पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। अगर आप दिसंबर का इंटरेस्ट कब रिसीव करते हैं, जनवरी में, और दिसंबर के इंटरेस्ट को दिसंबर में आप अक्रूअल बेसिस पर रिसीवेबल डेबिट करके और इनकम क्रेडिट करके इनकम मान चुके हैं, तो बताइए जब अगले साल 3rd January को वो 1,00,000 रुपए आपको रिसीव होंगे, तो अब आप रिसीव करते वक्त क्या एंट्री बनाएंगे? कैश या बैंक डेबिट? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट चूज कर ले, कौन सा आंसर है? कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। एबीसी लिमिटेड रिसीव्स एडवांस रेंट फ्रॉम इट्स टेनेंट, कितना? ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द फॉलोइंग, यानी 31 दिसंबर को आपने आने वाले साल का रेंट रिसीव कर लिया जो कि शुरू होगा 1 जनवरी से। एबीसी लिमिटेड इज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड ऑफ दिस ईयर? देखो धोखा मत खाना, अब मैं जो बोल रहा हूं देखो, दो बातें, व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी पास्ड, तो आंसर इज नन है। क्यों? क्योंकि जो रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड हुआ। पूछने वाला बोलता है व्हाट अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट नहीं, जब वो पैसे मिल रहे हैं उस वक्त की एंट्री, इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे। तो एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे? कैश या बैंक डेबिट, अनअर्न रेंट, एडवांस रेंट, क्रेडिट? आवाज ही नहीं आ रही, बताइए। कैश डेबिट, एडवांस रेंट, क्रेडिट, बतौर एबीसी लिमिटेड रिसीव एडवांस रेंट फ्रॉम इट्स टेनेंट 1,000,000 ऑन 31 दिसंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ, व्हाट वुड बी अकाउंटिंग एंट्री इन द फॉलोइंग ईयर? फॉलोइंग ईयर देखो, ये दिस ईयर की बात कर रहा है, जिस साल रिसीव हुआ, और वो आगे फॉलोइंग ईयर मतलब अगले अकाउंट, तो क्या वो इस, ये जो रेंट है ये इस अकाउंट में रिसीव हुआ, अगले में रिसीव हुआ? रिसीव कब हुआ? इस साल। अगले में तो क्या होगा, एक्सपायर होके क्या बनेगा? इनकम बनेगा। चूज कीजिए, जो भी एडवांस रेंट आपकी लाइबिलिटी था वो अनर्न से क्या हो चुका है? अर्न हो चुका है, तो लाइबिलिटी क्या कर दे? डेबिट कर दे, एडवांस रेंट डेबिट कर दे, रेंट इनकम क्रेडिट कर दे। तो एडवांस रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, ऑप्शन बी इज द। देखो क्या थोड़े से अल्फाजों के फर्क से, एंड हो गया। बिलाखिर अब आपका जो सुनने बात, आपका जो मौजूदा स्टडी टेक्स्ट होगा आईए का, उसमें एमसीक्यू के साथ इससे थोड़ी क्या हो, तो जो इससे ऊपर एमसीक्यूज है ना, इस लिमिट से ऊपर वाला, वो आप बराए मेहरबानी खुद से सॉल्व करें। बल्कि एक सवाल रह गया, वो खत्म मैं कर ही दूं, वरना वो बात रह जाएगी हमारी। सबसे पहला सवाल, जिसने अब वीडियो के अंदर बोन्स वाला सवाल देख लिया था, बोन्स जो मैंने होमवर्क में भी दिया था, फिर उसकी मैंने वीडियो भी आपको सेंड कर दी, जिसने बोन्स वाला सवाल देख लिया था, उसको इसको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बोन्स, ओन्स, सेवरल प्रॉपर्टीज, ऐसा सवाल होगा। नहीं देखा? देखा, कोई मसला नहीं, अब देख ले। अगर समझ ना आया तो खुल के बोल दीजिएगा, समझ नहीं आया बिला झिझक, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं बोला जाए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन का मसला है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ लें। इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2018, एक साल कहां खत्म हो रहा है? उस साल में, वो साल शुरू कहां से हुआ? 1st January
तो ये हमें मिल गया टाइम फ्रेम अकाउंटिंग पीरियड का, पक्का कंफर्म। सायरा रिसीव्ड 50,800 रुपए रेंटल इनकम, धोखा है, रेंट रिसीव किया लेकिन जरूरी रिसीव होने वाला अमाउंट इनकम हो सकता है इस रिसिट के अंदर पिछले साल का भी रेंट। तो जो पिछले साल का रेंट है वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, और हो सकता है इस रिसिट में इस साल का कुछ हिस्सा रिकवर, वो इस साल की इनकम है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो इस लफ्ज से धोखा नहीं खाइएगा, रिसीव लिखा हुआ रिसीव्ड, तो आप इसको खाली रेंट पढ़े, इनकम पढ़ेंगे तो आप परेशान जाएंगे, मतलब ये वो इम्पैक्ट नहीं तो कहां जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सायरा ने कितना रेंट रिसीव किया इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, चले अब यानी हमने ईयर एंड 2018 तक, फर्स्ट जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक कितने कितना रेंट रिसीव किया। द अमाउंट्स ऑफ रेंट रिसीव इन एडवांस एंड ड्यू इन एरियर्स वर एज फॉलोज, बहुत तवज्जो दरकार। हमारा ईयर एंड कितना, तो इस रिसिट के अंदर इतना रेंट 31 दिसंबर के एंड पर क्या है एडवांस, यानी इस रिसिट में इतना रेंट बिलोंग करता है अगले साल से, क्या हमें इसको इसमें रहने देना चाहिए ताकि इनकम बन जाए, या इसको हमें अनर्न मानकर इनकम से निकाल देना चाहिए। आवाज ही नहीं आ रही। इसमें पिछले साल जो रेंट रिसीव हुआ था उसमें कितना एडवांस था, उसको हमने क्या माना होगा अनअर्न, तो वो अनअर्न इस साल क्या होना चाहिए, एक्सपायर होके इनकम बनना चाहिए। रेंट ड्यू इन एरियर्स, इस साल का कितना रेंट है जो अब तक रिसीव नहीं हुआ, तो क्या करना है उसको इसमें ऐड करना है। और इस साल जो रिसीव हुआ उसमें पिछले साल का कितना था जो पिछले साल के एंड पर रिसीव नहीं हुआ था लेकिन वो इस साल रिसीव हुआ होगा। पहले आसान कर ले, इस साल में हमने टोटल कितना रेंट रिसीव किया, पक्का अपने कैलकुलेटर पे लिखें। लिख दिया। अब सोचे इस साल में हमने पिछले साल का कितना रेंट रिसीव किया, पिछले साल का एरियर्स, एरियर्स पढ़ना ही नहीं आ रहा हमें, रेंट ड्यू इन एरियर्स अक्रूड, यार क्या हो गया आप लोग, अरे भाई पिछले साल के एंड पर रेंट रिसीवेबल कितना था जो इस साल रिसीव हो गया होगा, पर माशाल्लाह 2500 तो इस साल का अक्रूवल है यार, इस साल के एंड पे अक्रूवल है, रिसीव नहीं हुआ, क्या बोल रहा हूं, पहला दोबारा सवाल के जवाब दे, इस साल हमने टोटल कितना रेंट रिसीव किया, इस 50,800 में हमने पिछले साल का एरियर रिसीव किया होगा, वो तो लास्ट ईयर के एंड पे रिसीवेबल होगा, और इस साल क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, वो रिसीव हुआ इस साल या नहीं हुआ, करंट लाइफ करंट एसेट था ना वो हमारे लिए, तो इस साल रिसीव हुआ होगा। तो सबसे पहले इस 50,800 में से पिछले साल का अक्रूवल क्या कर दें, माइनस कर, क्योंकि वो पिछले साल अक्रूवल पे इस पे इनकम बन चुका, इस साल हम उसको इनकम नहीं बनने दें, कर दिया माइनस। अच्छा अगला सवाल, अब अगर वाकई आप जवाब देने लगेगा हाँ जी आप एक्टिव बटन, इस 50,800 में आपने अगले साल का कितना रेंट रिसीव किया, जाग जाए, फिर रिपीट, इस 50,800 में आपने अगले साल का कितना रेंट रिसीव किया, 4,000, तो 50,800 में से एक तो जो रिसीव हुआ पिछले साल का वो भी माइनस, और जो रिसीव किया अगले साल का वो भी माइनस, करें माइनस। अच्छा फिर 50,800 में, मतलब इसका मतलब ये बैलेंस आ गया आपके पास, तो इस साल का, इस साल में, इस साल के लिए आपने कितना रेंट रिसीव किया, इक्वल टू प्रेस करें, 2018 में या 2018 में टोटल कितना रिसीव हुआ, अरे भाई 2018 में टोटल कितना, 50,800 में 1700 पिछले साल का, 4,000 अगले साल का, दोनों माइनस किए, बैलेंस क्या बचा, तो 45,000 2018 का रेंट है,
जो 2018 में रिसीव हुए, या तो उसको इनकम मान लें, या ये भी सोचे कि अब 2018 का कितना रेंट है जो 2018 की इनकम बनना चाहिए लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुआ, ऐड कराएं 25, ऐड कराएं 25। अब ये सोचे कि क्या 2018 का कोई रेंट मुझे 17 में मिल चुका था एडवांस में, जो 17 के लिए तो अनर्न था लेकिन 18 में एक्सपायर होके उसको इनकम बनना चाहिए, वो कितना है, उसको भी ऐड करवा दे, कितना बेटा? तो कहता है व्हाट फिगर फॉर रेंटल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, बताइए इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रेंट इनकम कितनी जानी चाहिए। अगर आपको ये मेरी एग्जाम्पल वर्बली समझ नहीं आती तो इसके लिए मैं बनाऊंगा अब अकाउंट जो कि वन अकाउंट से भी ऊपर अकाउंट है, उसको बोलूंगा सुपर डुपर अकाउंट। इस अकाउंट को मैं सुपर डुपर अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी बोले हुए अल्फाज है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ बेटा, ठीक है जी, मतलब ये मेरी बनाई हुई बात है सुपर डुपर अकाउंट, ये मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों बोलता हूँ, उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि इस अकाउंट के अंदर एक वक्त में एसेट भी आएगा, एक वक्त में लायबिलिटी भी आएगी और एक वक्त में इनकम भी आएगी, तो ये अकाउंट एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा है। इस अकाउंट को मैं नाम वही दूंगा रेंट अकाउंट। ये अकाउंट मैं कौन से साल के लिए बना रहा हूं, तवज्जो दरकार है 2018 के लिए, बना ले साथ साथ इसको बेटा। डेबिट साइड पर बैलेंस बीटी जो आता है वो एसिड होता है, आवाज ही नहीं है बेटा, डेबिट साइड पर जो बैलेंस बीडी आता है वो एसेट होता है। तो क्या रेंट अकाउंट का कोई रिसीवेबल है साल के स्टार्ट पर? देखो हालत पूरी है, कितना माशाल्लाह रिसीवेबल यार, क्या है आपका लेवल देखिए, वो जो आप देख के बैठे होते हैं पहले तो वो सब आ रहा होता है आपको, जहां आपका सोचने का प्रोसेस शुरू होता है वहां पर आपका दिमाग बंद हो जाता है। भाई रेंट रिसीवेबल क्या होता है, रेंट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, वो रेंट जो 2017 का रेंट था 17 के एंड पे एरियर्स था रिसीव नहीं हुआ था, जो 18 का बीडी बनेगा वो कितना है 1700 सर, रेंट का अक्रूअल, रेंट अक्रूअल रिसीव करने वाले के लिए रिसीवेबल, पे करने वाले के लिए। तो अभी मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूँ, रिसीव करने वाले की, पे करने वाले की, तो मुझे इस रेंट के अक्रूवल को रिसीवेबल माना चाहिए, पेएबल माना चाहिए, तो रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 1700 आ गया। और यहां 1 जनवरी को बैलेंस बीडी आएगा लायबिलिटी का, क्या 2017 के एंड पे कोई रेंट था जो 18 का था और एडवांस में आपकी जेब में आ गया था, कितना? देखो कितना मिक्स किस्म का आंसर आया, 25-3000 ऐसा 2500, ठीक है जी, क्लियर लिखा हुआ एडवांस बोल भी रहा हूं और ओपनिंग डेट भी मेंशन है यहां पर 31 दिसंबर 2017 का क्लोजिंग बैलेंस, 1 जनवरी 18 का ओपनिंग बैलेंस, लिख दिया बेटा। अच्छा जी अब बताइए ड्यूरिंग द ईयर रेंट कितना रिसीव हुआ, उसकी एंट्री सबसे आसान वाली कैश या बैंक डेबिट, बस वो ये अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट। कितने से बेटा 50,800, क्या 50,800 में अगले साल का कोई एडवांस मौजूद है, कितना? उस एडवांस को बतौर लायबिलिटी क्लोज कर देना चाहिए 4000 के तौर पर। क्या 50,800 में इस साल का कोई रेंट है जो इस साल ड्यू हो चुका रिसीव नहीं हुआ, इस साल का एरियर, कितने कम लोग बोल रहे हैं अभी। अब यहां पर डिफरेंस जाएगा 31 दिसंबर को ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अमाउंट इनकम बनेगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। निकालने वही आंसर आएगा तो आपके कैलकुलेटर पर एक लाइन में आ गया था।
जवाब ही नहीं मिल रहा बेटा। क्या आंसर आ रहा है? 50,600। अब बात सफा सकता है, एग्जामिनर यहां पर आपसे क्या पुट करवाए? इनकम, और क्या निकलवा ले? माशाल्लाह, कितना आपने साल भर में रेंट कलेक्ट की? ये सब मैं आपको पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं, लेकिन बस ये जो गैप होता है ना हमारा ना पढ़ने वाला, ये हमारे हालात शदीद खराब करते हैं। अब आपको चाहिए आप वो बोन्स वाला लेक्चर भी सुन लें। ये बताइए, सुपर अकाउंट की टर्म आपने आज बोलने से पहले कितने लोगों ने सुनी मुझसे पहले? अब जितने हाथ उठ रहे हैं बस इतने लोगों ने वो लेक्चर देखा। बस एक इंशाल्लाह एफआर वन में सुपर डुपर भी आएगा। पेपर तो पास है, पेपर तो पास है, पेपर तो पास है।